हेलो दोस्तों, मैं आकाश पांडे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? लाइक अगर हमें पेंटागन बनाना है, अगर हमें हेक्टागन बनाना है, अगर हमें हेक्टागन बनाना है, तो इस तरह की चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग पॉलीगॉन का यूज़ करते हैं। देखिए, आपके सामने ड्राइंग दिख रही होगी पॉलीगॉन की। इसमें दो टाइप के पॉलीगॉन दिख रहे होंगे। जो पहला है ये इनसब्सक्राइब इन सर्किल है, दूसरा सर्कम अबाउट सर्किल है। ठीक है, इन सर्कल इन सर्किल में सर्किल हमारा बाहर बाहर से जाता है, बाहर बाहर से टच करता है, और सर्कम अबाउट सर्किल में सर्किल हमारा अंदर अंदर से टच करता है अपने पॉलीगॉन को। जैसे कि मैं हेक्टागन बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने पॉलीगॉन लिया। पॉलीगॉन लेने को देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इंटर द नंबर ऑफ साइड्स। मैंने सिक्स साइड लिया, और सिक्स साइड लेने के बाद इंटर किया, और आप क्लिक करते ही देखिए पहला आ रहा है इनसब्सक्राइब सर्किल, दूसरा आ रहा है सर्कम अबाउट सर्किल। पहले आपने लिया इनसब्सक्राइब इन सर्किल, और इसके बाद आपने ऑर्थो को ऑन कर दिया। ऑर्थो को ऑन करने के बाद ये पूछता है आपसे कि रेडियस क्या रखना चाहते हैं, तो मैंने रेडियस का 20 रख दिया, और 20 रखने के बाद इंटर किया इस पे। इसके बाद हमारा दूसरा है सर्कम अबाउट सर्किल। तो सर्कम अबाउट सर्किल बनाने के लिए आपने सर्कम अबाउट सर्किल लिया, और इसके बाद नंबर ऑफ साइड्स लिया सिक्स, और सिक्स लेने के बाद जैसे इंटर किया, और इंटर करने के बाद यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर आपसे पूछता है सर्कम अबाउट सर्किल। सर्कम अबाउट सर्किल में यहाँ पे हम लोग जस्ट 20 डाले, और 20 डाल के इंटर किया हमने। और अब देखेंगे तो एक जो बना हुआ है पॉलीगॉन हमारा, ये बना हुआ है इन सब्सक्राइब सर्किल से, दूसरा बना हुआ है सर्कम अबाउट सर्किल से। अब कैसे पता करेंगे कि दोनों सही है? तो उसके लिए आपको सर्किल पे जाओ, और यहाँ से ले लो थ्री पॉइंट सर्किल। अब थ्री पॉइंट सर्किल लिया। अब मुझे पता है कि इन सब्सक्राइब सर्किल में सर्किल हमारा बार बार से टच करता है, तो अगर बार बार से टच करा उसके बाद इसका रेडियस जो है, इसका जो सर्किल का जो हमारा ये है रेडियस है, ये अगर 20 आता है दैट मीन ये सही है। ठीक है, तो देखिए इसका रेडियस 20 आ रहा है। ठीक है, अब जो सेकंड वाला है इसका भी रेडियस सर्किल का 20 आना चाहिए, बट वो 20 आपका बीच के लाइक वो जो सर्किल होगा वो बीच बीच से टच करेगा आपको। जैसे थ्री पॉइंट लिया, बीच इन देंस मिड पॉइंट, जस्ट क्लिक ऑन मिड पॉइंट, सेकेंड मिड पॉइंट एंड देन थर्ड मिड पॉइंट। अब देखिए अगर ये अगर 20 आ रहा है मतलब सही है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, एक है सर्कम अबाउट सर्किल, एक है इनसब्सक्राइब इन सर्किल। ओके, और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है इलिप्स, और ये हमारा अभी बेसिक्स कमांड हमारी थोड़ी थोड़ी खत्म हो चुकी है। तो जो हम नेक्स्ट वीडियोज आएंगे दो तीन, वो हमारे वीडियोज प्रैक्टिस पे होंगे, तो मैं आपको ड्राइंग सेंड करूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगा, उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए, और साथ ही साथ मैं आपको जो डिफिकल्ट ड्राइंग है उन पर मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो अभी हमने जैसे पहला सेंटर, सेंटर में अगर आपको सेंटर पता है किसी एलिप्स का, तो ये देखिए पहला सेंटर आप डालिए, उसके बाद फर्स्ट डिस्टेंस डालिए इन रेडियस। तो फर्स्ट डिस्टेंस इन रेडियस हमने सपोज डाल दिया 100 मीटर, और सेकंड डिस्टेंस इन रेडियस, तो सेकंड डिस्टेंस के लिए हमने मतलब मेजर और माइनर रेडियस का 100/50। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट वन इज एक्सिसियन। एक्सिसियन में क्या होता है कि इसका क्या बोलते हैं, इसमें आपको फर्स्ट डिस्टेंस इन डायमीटर डालना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें दो पॉइंट डालने पड़ते हैं। तो फर्स्ट डिस्टेंस इन डायमीटर, तो डायमीटर के लिए आपको जैसे कि अगर उतने बराबर बनाना है तो 200 डालना पड़ेगा, 200 लिया। उसके बाद सेकेंड डिस्टेंस इन रेडियस, सेकेंड डिस्टेंस रेडियस में ही डालना है, तो अब रेडियस में 50 करिए, 50 करके इंटर कर दीजिए। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वन इस इलेप्टिकल आर्क है। इलेप्टिकल आर्क में क्या होता है, फर्स्ट डिस्टेंस इन डायमीटर, सेम जैसे एक्सिसियन था, फर्स्ट डिस्टेंस इन डायमीटर इंटर, सेकेंड डिस्टेंस इन रेडियस, और ये करते हैं इंटर। अब इसमें प्रॉफिट क्या होता है आपका, अगर इसमें हमने ऑर्थो ऑन कर लिया, तो इसमें आपको जहाँ से जहाँ तक का पॉइंट, सपोज आपको यहाँ से कटिंग चाहिए और यहाँ तक का कटिंग चाहिए, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दो, यहाँ तक, यहाँ पर आप सीधे एंगल डाल सकते हो, जैसे 45 पे एंगल तक आपको मटेरियल चाहिए, 45 पर देखिए इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर आपका ये 45 का हो गया। बट अगर आपको कॉन्स्टेंट चाहिए तो आप फिर से जाओ इलेप्टिकल आर्क, यहाँ पे गए 200 डाला, आपको अपने हिसाब से लेना है, तो आप यहाँ क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जितना डिस्टेंस चाहिए उतना डिस्टेंस आप काट के आप इधर सेव कर सकते, इसको बाद में आपको बढ़ाना हुआ है क्योंकि यहाँ पे हुआ है यूज, तो आप कर देते हैं। जैसे कहीं पर टूटने की जरूरत होती है, आर्क टूटने की किसी प्लानिंग वगैरह में, तो उस केस में हम इसको सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। होप आपको समझ में आएगा किस तरह से हम लोग इलिप्स बनाते हैं और किस तरह से हम लोग यहाँ पे पॉलीगॉन्स बनाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं ड्राइंग बनाना। ठीक है, मैं ड्राइंग का सेंड करूँगा आपको लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा,
और उसके साथ ही आप यूनिक्स सिविल पे जाके यूनिक्स सिविल से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से अपने सारे ड्राइंग सेट को. ओके, होप यू लाइक दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.